Hey guys, आज बताऊंगा मैं टॉप 5 डिमांडिंग करेक्टर इन पावर वॉरियर। तो पहले मैं सोच रहा था टॉप 10 बताऊं, लेकिन टॉप 5 ही सही रहेंगे, क्यों मत पूछना, बस ऐसे ही। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, मास्क ब्लैक गोकू, जिसे आप ज़ेनो गोकू ब्लैक या फिर क्रिम्सन मास्क गोकू ब्लैक नाम से जानते होंगे। तो इस करेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जो पावर ने अभी तक पूरी नहीं की है, लेकिन चांस है ये करेक्टर आ सकता है, क्योंकि पावर की लेटेस्ट वीडियो में ये कमेंट है जिसमें सब्सक्राइबर अपील करता है कि ब्लैक मास्क को ऐड किया जाए। उसका रिप्लाई देते हुए पावर बोलता है कि मुझे इसकी लिंक दो करेक्टर शीट की, लेकिन गाइस पावर को कोई भी लिंक अभी तक नहीं मिली है। अगर आपके पास कोई लिंक है तो जाके पावर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो शायद मास्क ब्लैक गोकू में देखने को मिल सकता है आने वाले अपडेट में। अगर इस करेक्टर को सेट करें तो भाई हमारे पास एक करेक्टर और है जो सारा डिमांड में, वो है गोकू ब्लैक रोज सुपर सैयन 3। तो इस वाले करेक्टर की भी ज़्यादा डिमांड है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पावर पहला करेक्टर कौन सा ऐड करता है। नंबर 4, गैस फुल पावर। पावर ने अभी तक गैस करेक्टर को गेम में भी ऐड नहीं किया है, तो शायद अगर गैस करेक्टर आता है पावर वॉरियर में तो उसकी फॉर्म होगी फुल पावर वाली, क्योंकि इस वाले फॉर्म की काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हैं अदर फॉर्म से, जो हमने देखे थे ग्रेनोला आर्क में। और इसके अलावा गैस के पास और भी फॉर्म्स हैं जो गेम के अंदर आ सकती हैं। नंबर 3, एमयूआई गोकू। तो इस करेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी आने वाला है करेक्टर, और इसका अपडेट दिया पावर वॉरियर ने। पावर वॉरियर सब्सक्राइबर ने पूछ ही लिया कि एम आई गोकू 17.6 में आ सकता है, जिस पर रिप्लाई दिया पावर वॉरियर ने यस सून। तो हमें ये करेक्टर देखने को मिल सकता है 17.6 या 17.7 में। नंबर 2, मोरो 73। अभी तक पावर वॉरियर मोरो के सिर्फ एक ही फॉर्म है, जो है चैलेंज में, मैंने अलॉक नहीं किया इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस करेक्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो पावर वॉरियर लेके ही आएगा इसको, लेकिन अभी तक मेरे पास इसका कोई भी अपडेट नहीं है। और वैसे भी मोरो की काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हैं जो आ सकती हैं, लेकिन पहले आ सकती है शायद मोरो 73। नंबर 1, ब्लैक फ्रीजा। आप लोग पावर वॉरियर की कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, उसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर देखने को मिलेगा ब्लैक फ्रीजा को ऐड करने का। और डिमांड इसलिए क्योंकि भाई यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर है, इसलिए मोस्ट डिमांडिंग होने के बावजूद भी पावर वॉरियर ने फ्रीजा की जगह डोडोरियो को रिलीज किया था, सो बैड। और एक बात, जितनी भी मैंने 2D गेम्स खेली है ड्रैगन बॉल की, उसमें भी ब्लैक फ्रीजा ऐड नहीं हुआ है, तो इसमें पावर वॉरियर अकेला नहीं है, सिवाय एक दो गेम छोड़ के, नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे याद नहीं है अभी। तो बस ये मोस्ट डिमांडिंग करेक्टर है, तो जल्दी आ जाएगा। तो ये थे गाइस टॉप 5 मोस्ट डिमांडिंग करेक्टर। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और गाइस एक बात और, अगर आपको इस वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो काफ़ी देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग, गुड बाय।